मोतबर तरीन शायरा मोहतरमा जहरा निगाह साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि चंद कलिमात अता फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है अकाबरीन मजलिस, मैं हमेशा अहमद शाह से ये कहती हूँ कि भाई मुझे सदर मत बनाया करो, क्योंकि एक तो सबसे आखिर में बारी आती है और जो दिल में कुछ लेके आती हूँ सोच के कि भाई ये कहूँगी वो कहूँगी वो पहले से सब लोग कह देते हैं, वो मेरे पास तो कुछ रहता नहीं। सबसे पहले तो मैं अहमद शाह को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आजकल जो हमारे मुल्क का हाल है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, हर एतबार से एक वबा फूटी हुई है और बड़ी जानलेवा वबा है, ऐसे आलम में ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करना वाकई इन्हीं के बस का काम है, वरना हम लोग तो इसको सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि वबा के सिलसिले में लोग अक्सर तंज व मिजाह की बात भी करते हैं, कभी इसकी अहमियत नहीं देते। ये सब बातें नहीं करना चाहिए, वबा बहुत जानलेवा वबा है और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि हमें सेहत अता हो, हमारे पूरे शहर को, हमारे मुल्क को और दूसरे मुल्कों को भी। सवाल यह है कि नसर तो आपने बहुत सुनी, कोरोना के सिलसिले में दो तीन मैंने छोटी छोटी नज़में लिखी थी, तो उसमें मैं आपको वो दो नज़में सुना देती हूँ, छोटी छोटी हैं, दो दो तीन तीन चार चार मिसरों की। एक तो ये है कि पप्पू एक लड़का है जिसकी उम्र अब 73 साल की हो गई है, लेकिन वो बड़ा नहीं, वो छोटा ही है और अभी तक वो हम सबको तंग करता रहता है। आपने भी देखा होगा दीवारों पे भी उसका नाम लिखा होता है, बसों पे भी होता है, रिक्शे पर भी होता है। तो घर की आधी छत के नीचे पप्पू बैठा सोच रहा है, बार बार हाथों को धोना धोना और साबुन से धोना मेरे बस की बात नहीं है, पीने को पानी नहीं मिलता। बार बार हाथों को धोना धोना और साबुन से धोना मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी नज्म है रानी राजा राजकुमार। मोटर धोने वाली रानी आके शीशे साफ करते हैं, आप सबको तजर्बा होगा। मोटर धोने वाली रानी, गजरे बेचने वाला राजा और मांगने वाला राजकुमार। मोटर धोने वाली रानी, गजरे बेचने वाला राजा, मांगने वाला राजकुमार। अपने घर में तीनों खाली बैठे हैं, शहर में एक वबा क्या फूटी, इनकी किस्मत फूट गई है, इनकी हुकूमत टूट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अहमद शाह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबकी भी बड़ी हिम्मत की दाद देती हूँ कि ढांटे बांध के इतनी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म तरीके से आप यहाँ आए और आपने इसको एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया।